हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है एक नोटिस जो कि छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। जो CGPSC के तहत हॉस्टल वार्डन भर्ती प्रक्रिया थी, फिलहाल उसको रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक नोटिस जारी किया गया है PSC के तरफ से। क्या है नोटिस में, क्या है मामला, क्योंकि 20 तारीख से आप लोगों का फॉर्म फिल करना था और आप लोगों का 20 तारीख को ही फॉर्म रद्द कर दिया गया। पूरी नोटिस के तहत हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि हमको खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती क्यों रद्द की गई है इसका पूरा जो PSC है वो अपना नोटिस में लिख दिया है। ठीक है, अब फिर कब से फॉर्म भरना शुरू होगा ये भी सब पूरी बातें वो बता दिया है। तो हमको जो नोटिस आया है उसको पढ़ना चाहिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ, ये तो नोटिस है जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से है, ये तो नोटिस है जो कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का नोटिस है। ठीक है, इसमें भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का इसमें बताया गया है कि जो 500 पद थे उसको रद्द कर दिया गया है फिलहाल के लिए। ठीक है, अब ये दूसरा नोटिस है जो कि आप लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भर्ती की प्रक्रिया थी 500 ये पहले से तय थी, और अभी आप लोगों का जो सेशन था, जो विधानसभा से सेशन था, उसमें न्यू भर्ती प्रक्रिया भी लागू की गई थी। यहाँ पे देखिए लिखा है, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की सीधी भर्ती हेतु प्रस्ताव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में नवीन छात्रावास स्वीकृत होने के कारण, मतलब कि नए और छात्रावास अधीक्षक के पद स्वीकृत हुए थे। ठीक है, 500 तो ये पहले के पद थे और नवीन पद जारी किए गए थे, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इसमें ये नोटिस जो ये वैकेंसी थी उसको रद्द कर नया नोटिस फिर से जारी किया जाएगा, और उसमें ये जो 500 पद इसमें जोड़कर कुल 1000 के लगभग पद जारी किए जा सकते हैं। 1000 के पद हो सकते हैं, 800 भी पद हो सकते हैं, लगभग आपको 1000 पद देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि 500 बस मात्र पद थे उसको बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। और जैसे ही इसका न्यू नोटिस आता है मैं तुरंत आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूँगा, ताकि आप लोग जाकर उसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब 500 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है हॉस्टल वार्डन की। ठीक है, इसलिए आप लोग का हॉस्टल वार्डन का जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको रद्द किया गया था। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा।